फरवरी 2024 में हुई यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद भयंकर हंगामा मचा। यूपी के अलग अलग हिस्सों में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद योगी सरकार को पेपर कैंसिल करना पड़ा। फैसला लिया गया था कि 6 महीने में परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। अब यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को आयोजित होने जा रहा है, लेकिन री एग्जाम से पहले ही प्रशासन ने बड़ा कदम उठा लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने एग्जाम में होने वाली धांधली को लेकर बड़ा फैसला लिया है। एग्जाम से पहले अभ्यर्थियों के लिए एक ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। बोर्ड की तरफ से जारी किए गए ईमेल और व्हाट्सएप नंबर के जरिए अभ्यर्थी पेपर लीक करने या पेपर में किसी भी तरह की धांधली की जानकारी दे सकते हैं। इस मामले में भर्ती बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी कर ये जानकारी दी गई है। बताया जा रहा है कि पेपर लीक कराने वाले से लेकर परीक्षा से पहले पेपर बेचने, सॉल्वर से परीक्षा पास कराने, पेपर में नकल कराने जैसी किसी भी तरह की जानकारी ईमेल या व्हाट्सएप नंबर पर दी जा सकती है। आप अपनी स्क्रीन पर ये जो ईमेल एड्रेस देख रहे हैं, ये वही ईमेल एड्रेस है जो भर्ती बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। ईमेल एड्रेस है satarkta.pulisbharti@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 9454579951। इस ईमेल या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर एग्जाम से पहले या बाद में धांधली की जानकारी दी जा सकती है। आपको बता दें कि फरवरी में यूपी पुलिस भर्ती का एग्जाम होने के बाद पेपर लीक का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने भयंकर हंगामा किया था। अब 6 महीने बाद यूपी पुलिस भर्ती का री एग्जाम होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले ही भर्ती बोर्ड ने ये बड़ा कदम उठा लिया। लखनऊ से संतोष कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।